आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, बाढ़ पीड़ितों के साथ मुस्तैदी के साथ खड़ा है जिला प्रशासन। राशन किट का वितरण, कनात शौचालय, पूजा वितरण के साथ मेडिकल टीम लगातार कर रही है क्षेत्र में भ्रमण। एडीएम सिटी कार्यालय में ठेकेदारी के लाइसेंस के लिए आए महिलाओं के चरित्र प्रमाण पत्र की जांच में चौंकाने वाले तथ्य आए सामने। एडीएम फाइनेंस व प्रभारी एडीएम सिटी ने कहा, आवेदन पत्र में दर्ज किया गया मोबाइल नंबर को किसी भी महिला ने नहीं किया रिसीव। कुछ लोग महिलाओं के अधिकारों का कर रहे हैं हनन। ऐलान जुर्म के तहत जनपद के वाहन चोर लुटेरों के घर जाकर पुलिस पिटवाएगी डुगडुगी। लोगों को अपराध और अपराधियों के प्रति करेगी सचेत। एसएसपी ने कहा, सक्रिय अपराधियों पर होगी कड़ी कार्यवाही। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बुधवार को किया जिला एवं महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। इलाज कराने आए मरीजों से पूछा कुशल क्षेम। कहा, अस्पताल में मरीजों के इलाज की है समुचित व्यवस्था। हर बुधवार पुलिस आपके द्वार के तहत एसएसपी ने कैंट थाने पर लगाया रात्रि चौपाल। चौपाल में आए मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। लगातार बारिश और बाढ़ के बाद जिला चिकित्सालय के ओपीडी में मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने कहा, प्रतिदिन लगभग 450 मरीज आ रहे हैं ओपीडी में। हो रहा है समुचित इलाज, दी जा रही है निःशुल्क दवाएं। तीज पर्व को लेकर बाजार में उत्साह। महिलाओं ने की खरीदारी, लगवाई मेहंदी। दुकानदारों ने कहा, पिछली बार से कम रहा बाजार में बिक्री। जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय निकाय के वर्ष 2020-21 के आय व्यय के निर्धारित प्रारूप तैयार करने के संबंध में आयोजित हुई बैठक। जिला विकास अधिकारी ने 3 दिन के अंदर निर्धारित प्रारूप पर अर्थ एवं संख्या अधिकारी को उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 66 केंद्रों पर कुल 21,204 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 15,872 और सेकेंड डोज लेने वालों में 5,332 लोग रहे शामिल। जिले में अब तक कुल 21,03,994 लोगों को किया जा चुका है कोविड का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। एसपीसीटी ने कोतवाली थाने पर लगाया रात्रि चौपाल। लोगों की सुनी फरियाद, पैदल गश्त कर लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। कहा, सभी समस्याओं का होगा त्वरित समाधान। गोरखपुर में बुधवार को मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,403। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 13 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। स्वर्गीय उग्रसेन सिंह श्रीनेत की स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता में महात्मा गांधी कॉलेज की टीम बनी विजेता। एडीजी जोन ने विजेता और उपविजेता टीम को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। जिलाधिकारी के निरीक्षण के पश्चात जिला अस्पताल के एसआईसी और सीएमओ ने कहा, चिकित्सकीय सुविधा से संतुष्ट दिखे डीएम। सेल्स कमियों को 1 माह के भीतर कर लिया जाएगा दुरुस्त। स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा को प्रेषित किया ज्ञापन। प्रवेश न लेने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई करने की मांग। और राप्ती, रोहिन और घाघरा नदियों का घटा जलस्तर, लेकिन राप्ती खतरे के निशान से अभी भी 1.72 मीटर है ऊपर। एडीएम फाइनेंस ने कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की गई है समुचित व्यवस्था, स्थिति सामान्य।